जिसके लिए लिया कर्ज वो दगा दे गई। तो कितना कर्ज लेकर के उसको मैं पढ़ाया, इतना दूर तक पहुंचाया, आज वो मेरे साथ में ऐसा धोखा किया। कर्ज लेकर जिसे बनाया वो बदनाम कर गई। मैंने उनका तैयारी कर रहा था और इसी बीच में वो फरार हो गया। उम्मीद थी जिससे वो भरोसा तोड़ गई। सूद पे लेकर के उसके पीछे कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं। उसके बाद ये सलाह दिया है। घर घर पिज्जा की डिलीवरी कर जिस पत्नी को पढ़ाया, 2.5 लाख का कर्ज लेकर जिस पत्नी को ANM बनाया, वो सिलासा दे गई कि अब गोड्डा के कठोन गांव का टिंकू यादव न्याय मांग रहा है। पत्नी को ANM बनाकर टिंकू यादव गांव वालों के सामने मिसाल पेश करना चाहता था, लेकिन मैडम उसकी खुदगर्जी की मिसाल पेश कर गई। नर्सिंग का अंतिम साल चल रहा था और टिंकू की पत्नी का प्यार भी परवान चढ़ चुका था। कॉलेज से छुट्टी मिली तो इस छुट्टी के साथ ही साथ छोड़ गई पति का, भाग गई प्रेमी के साथ। रही सही कसर उस फोटो ने पूरी कर दी जिसमें प्रेमी के साथ उसकी शादी की फोटो है। मामला यही है कि मैं ANM का पढ़ाई करवा रहा था प्रिया कुमारी को। कौन है वो प्रिया कुमारी? मेरी वाइफ है। हाँ। जो किसी लड़के के साथ भाग गया, उसका जिसके साथ भागा है उसका नाम है दिलखुश कुमार राहुल। कहाँ का रहने वाला है वो? बढ़ौना का रहने वाला है, गुड्डा बढ़ौना जो है वही का रहने वाला है। मैं उसको इतना मेहनत से करके उसको कितना कर्ज लेकर के उसको मैं पढ़ाया, इतना दूर तक पहुँचाया, आज वो मेरे साथ में ऐसा धोखा किया। शादी कब हुई थी? शादी 1.5 साल पहले हुआ था। सुना तो जरूर होगा कि टिंकू ने यूपी की ज्योति मौर्य के बारे में, लेकिन पत्नी से मोहब्बत और उसे ANM बनाने की जिद के आगे अनजान बन बैठा था। 1.5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 7 कस्मों के वादे को पूरा करने के रास्ते पर टिंकू आगे बढ़ रहा था, लेकिन 7 वचनों से टिंकू की पत्नी पहले ही मुंह मोड़ चुकी थी, इसलिए भूल गई अपने कर्जदार पति को, कर्ज लेने की वजह को, भाग गई प्रेमी के साथ दिल्ली और दिल्ली से भेज दी वो फोटो जिसने टिंकू के होश उड़ा दिए। कर्ज लेकर वो पहले ही बैठा हुआ था, अब पत्नी ने वो दर्द भी दे दिया कि अब उसके पास रास्ते कुछ नहीं सिवाय पत्नी के घर लौटने के। सूद पे लेकर के उसके पीछे कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं। उसके बाद ये सलाह दिया है। अभी कहाँ है, कुछ पता चला? अभी पता चला है कि वो दिल्ली में। किसके साथ? दिलखुश कुमार के साथ। शादी हो गई है? शादी हो चुका है। किसके साथ? दिलखुश कुमार के साथ वो शादी कर चुकी है। कहाँ? दिल्ली में जाके। कोर्ट मैरिज किया? कोर्ट मैरिज किया। आप फोन नहीं किए उसको? नहीं, हम फोन नहीं किए। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान ही टिंकू की पत्नी अपने प्रेमी दिलखुश के साथ खुश रह रही थी। दिलखुश राउत के साथ मोहब्बत में वो ऐसे जकड़ गई कि एक पति भी है जिसने कर्ज लेकर उसे पढ़ाया है उसे भूल गई। पति की गुहार के आगे कई सवाल हैं। सवाल ये है कि बिना तलाक दिए वो शादी कैसे कर सकती है। बायस्कोप IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।